टीआरएस कॉलेज में पानी की समस्या और कई गंभीर मुद्दों को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। प्रदेश के सबसे बड़े महाविद्यालयों में से एक टीआरएस कॉलेज में छात्रों को पीने के लिए साफ और ठंडा पानी नहीं मिल रहा, जिसकी मांग को लेकर सोमवार को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्राचार कक्ष के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं छात्रों का कहना था कि कॉलेज की बाउंड्री वाल पिछले काफ़ी समय से टूटी है, लेकिन प्रबंधन के द्वारा अभी तक उसे सुधरवाने का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। तो वहीं जन भागीदारी और स्वावित्तीय के माध्यम से होने वाले शिक्षकों की भर्ती कहीं भी ऑनलाइन नहीं होती। प्राचार्य के ऊपर पक्षपात कर अपने रिश्तेदारों की भर्ती का आरोप भी छात्रों के द्वारा लगाया गया। साथ ही कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान उठाए गए। दो माह पहले ज्ञापन दिए थे पानी की समस्या को लेकर, ये मैं पानी सामने लिया हूँ, आज तक ये गर्म है, आरओ का पानी नहीं लगा है और न ठंडा पानी आ रहा है। प्राचार्य महोदय अपने लिए घर से बढ़िया आरओ का कैंट का पानी लेकर के आते हैं और कॉलेज का पानी कोई भी कर्मचारी पीने के लिए तैयार नहीं है। और हमारी दूसरी बिंदु है, तीन माह पहले हमारे महाविद्यालय की बाउंड्री गिर गई है, उसको बनवाने के लिए आज तक कॉलेज प्रशासन न प्राचार्य महोदय कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। और तीसरी बात हमारी है, जन भागीदारी शिक्षकों की एवं जो स्वावित्तीय शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है, जब से यहाँ नियुक्ति की जा रही है, जब से आज तक कोई भी भारत सरकार या राज्य सरकार इसका कोई ऐसा नियम नहीं आया है कि ऑनलाइन भर्ती की जाए, जिसको प्राचार्य महोदय कुछ लोगों के मिली भगत से अपना नियम अलग से बना करके, जहाँ नियम सही चलाना चाहिए वहाँ नहीं चला रहे हैं और गलत नियम बना करके ऑनलाइन अपने रिश्तेदारों के यहाँ नियुक्ति करना चाहते हैं पूरी तरह से। और नंबर चार, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हमारे यहाँ एक दो माह पहले हमारे भाई तक गोली चली और उसकी मृत्यु हो गई, एक 10 दिन के लिए पुलिस सुरक्षा कर दी गई, आज तक कोई भी कॉलेज के माध्यम से कोई भी व्यवस्था नहीं की गई सुरक्षा के लिए, मेटल डिटेक्टर कवाड़ में दे दिया गया, प्राचार्य महोदय उसको बेच दिया ले जाकर के अपने घर में दे दिए। और ये प्राचार्य महोदय की समय सारणी लगी हुई है, प्राचार्य महोदय नहीं आ रहे, भारत सरकार के कर्मचारी होकर के भारत सरकार की चोरी करते हैं, ये आदमी डेली ट्रेन से आते हैं विदाउट टिकट और एसी में बैठ करके आते हैं, इनको शर्म नहीं आती है। प्राचार्य है महाविद्यालय के, अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य है, ऐसे प्राचार्य को चुल्लू भर पानी लेकर के मर जाना चाहिए। और रजिस्टर में आप सीएल लगा है आकर के दस्तखत करते हैं पूरे, सीएल नहीं लगा है उसको, और परीक्षा चल रही है, 7 बजे चलती है, 7 बजे से परीक्षाएं संचालित है, परीक्षाएं कौन देखता है ये मालूम नहीं है, प्रभावी प्रचार भी नहीं है, प्राचार्य पैसा प्राचार्य के खाते में जा रहा है, खाना खा प्राचार्य प्रभारी इसको लेकर के हम 10 बजे से प्राचार्य महोदय का वेट कर रहे हैं, बैठे रहेंगे जब तक नहीं आएंगे, जब तक और घुसने भी नहीं देगी आगे आकर के वह समस्या के लिए खड़े।